नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विशेष पूजा के दूसरे दिन मनसा देवी के साथ महिलाओं ने सत्य बिहुला की पूजा। भगत के द्वारा किया गया मंजूसा एवं कलश का विसर्जन। वर्षों से बदहाल पड़े म्यूजियम का डीएम ने किया निरीक्षण। कलाकृतियों को देख कर सुसज्जित करने का दिया निर्देश। आईटीबीपी जवान शहीद अभिराज की शव यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। जम्मू कश्मीर में बस के खाई में गिरने से हुई थी मौत। और ड्राइविंग लाइसेंस बनने में देरी की शिकायत पर डीटीओ कार्यालय पहुंचे डीएम। कर्मियों को समय पर कार्य पूरा करने का दिया टास्क। अब खबरें विस्तार से। मां मनसा देवी बाला बिहुला और चांदू सौदागर की लोक गाथा से जुड़ी विषहरी पूजा के दूसरे दिन चंपानगर समेत भागलपुर के तमाम विषहरी मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना कर माता को डलिया चढ़ाया। इस दौरान कई जगहों पर मेला का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चों के साथ हर उम्र वर्ग के लोगों ने मां मनसा देवी और सती बिहुला का दर्शन कर मेले का आनंद लिया। वहीं कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों बाद हुए पूजा समारोह के आयोजन को लेकर जिले के कई विषहरी मंदिरों को आकर्षक रूप से लाइट बत्तियों और रंग बिरंगे सजावटी सामानों से सजाया गया। गुरुवार को सती बिहुला द्वारा अपने पति बाला लखेंद्र के शव को अपनी गोद में लेकर मंजूसा के माध्यम से की गई यात्रा और पुनर्जीवित करने की कथा के अनुसार प्रतिमा का प्रदर्शन किया गया, जहां सुहागिन महिलाओं ने सती बिहुला की पूजा कर सौभाग्य की कामना की। लोक गाथा के अनुसार भगवान शिव की मानस पुत्री मनसा देवी ने महान शिव भक्त चंद्रधर सौदागर से अपनी पूजा करने का आदेश दिया, जिसे चांदू सौदागर ने नकार दिया और इसी से क्रोधित मनसा देवी ने चांदू सौदागर के पूरे वंश का नाश करने का प्रण लिया और बारी बारी से उनके सभी पुत्रों की सर्पदंश से हत्या करा दी। लेकिन चांदू सौदागर के सबसे छोटे पुत्र बाला लखेंद्र का विवाह बासु सौदागर की पुत्री बिहुला से होने और विवाह की रात्रि ही उसकी मृत्यु के बाद बिहुला ने अपने दृढ़ संकल्प और तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपने पति बाला लखेंद्र के साथ उनके सभी मृत भाइयों को भी पुनर्जीवित कराने में सफलता पाई। एक और जहां विषहरी स्थानों में सुबह से भक्तों द्वारा पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा, वहीं नाथनगर समेत शहर के कई विषहरी मंदिर से मंजूसा और कलश विसर्जन शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें मंत्र और भजन की धुन पर भगत और भक्त झूमते नजर आए। भागलपुर के शाकचक, फिकरपुर, घंटाघर चौक, खंजरपुर, मिर्जान हाट, मुंदी चक समेत पूरे जिले में विषहरी पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। बिहुला विषहरी की पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई है, जिसको लेकर पिछले 2 दिनों से आंध्र प्रदेश का माहौल भक्तिमय दिख रहा है। बाला लखेंद्र की बारात बुधवार की रात निकाली गई, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जल्लाही रोड स्थित मां विषहरी मनसा देवी मंदिर में सामाजिक सौहार्द की तस्वीर देखने को मिली, जहाँ पूजा समिति के शंकर दास, महेंद्र तांती, मुकेश तांती, सहदेव और सिबू तांती ने वार्ड नंबर 40 के समाजसेवी वसीम खान को संधि मिलन का भागीदार बनाया। इस दौरान पूजा समिति के सदस्यों ने समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को कायम रखते हुए वसीम खान को पगड़ी और डलिया भेंट किया। वहीं विषहरी पूजा के अवसर पर मिले सम्मान से उत्साहित वसीम ने प्रकाश तांती, सुजित तांती, बिहारी तांती समेत पूजा समिति से जुड़े सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है और इसलिए हम लोग मिलजुल कर हर पर्व त्योहार मनाते हैं। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन गुरुवार को भागलपुर संग्रहालय पहुंचे, जहां डीएम ने वहां की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए तमाम कलाकृतियों को बारीकी से देखा। इस दौरान डीएम ने म्यूजियम में रखे पुरातत्वकालीन मूर्तियों और कलाकृतियों को देखकर इससे संबंधित जानकारी ली और व्यवस्था को बेहतर सुसज्जित करने का निर्देश संग्रहालय अध्यक्ष एवं कर्मियों को दिया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने संग्रहालय को और बेहतर बनाने की बात करते हुए कहा कि यहां इतिहास की पुरानी चीजें रखी गई है, जिसे देखकर युवाओं और बच्चों के साथ सभी लोगों को कई अहम जानकारी मिलती है, जबकि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देखकर लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। डीएम ने भागलपुर के संग्रहालय के कम प्रचार प्रसार करने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इतना सुंदर म्यूजियम होने के बावजूद भी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और अब जिला प्रशासन और विभाग की ओर से इसके प्रचार प्रसार का काम किया जाएगा, जिससे स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ छात्र छात्रा और युवा भी यहाँ आकर संग्रहालय में रखी गई कलाकृतियों और इतिहास से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका ज्ञान वर्धन होगा। वहीं संग्रहालय में कर्मचारियों की कमी को लेकर डीएम ने कहा कि इसके लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा और जल्द ही यहां पर कर्मचारी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो है कलाकृतियां जो भी उत्खनन से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उसको ढंग से रखा गया है
बस इसमें थोड़ा सा जो हम लोग देख रहे हैं कि उसको संघ से सही तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन वर्णन जो है वो लिखा रहे कि इसका क्या महत्व है, कैसे वो चीज़ प्राप्त हुई, और उसको जो है थोड़ा सा हम लोगों को इस पूरे संग्रहालय और इसकी विभिन्न गतिविधियों को प्रचारित प्रसारित कराने की भी ज़रूरत है, ताकि भागलपुर जिला आसपास के लोग, स्कूल के बच्चे, स्कूल एवं कॉलेजों के छात्र छात्राएं सभी लोग आकर के देख सकें, समझ सकें अपनी पुरानी विरासत को कि कितना हम लोगों का एक एक कलाकृति इतनी अच्छी जो 8वीं दशक की या उससे पहले की भी यहाँ दिख रही है। तो उन चीज़ों के बारे में समझना, अपने पास्ट के बारे में लोगों को जानकारी होना ये बहुत जरूरी है। लखीसराय के खेमतरनी स्थान निवासी सुरेंद्र राम के शहीद पुत्र ITBP जवान अभिराज कुमार की गुरुवार को शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान शव यात्रा में शामिल लोगों ने शहीद अभिराज अमर रहे का नारा लगाते हुए उसे नमन किया। वहीं शहीद के मौत की खबर सुनते ही गमगीन माहौल के बावजूद लोगों ने अपने लाल की शहादत पर गर्व व्यक्त किया। बता दें कि 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पास चंदनबाड़ी में ITBP जवानों को ले जा रही बस खाई में गिर गई थी, जिसमें लखीसराय सूरजगढ़ प्रखंड के खेमतरनी निवासी अभिराज कुमार सहित 7 जवान की मौत हो गई थी, जबकि शव के गृह जिला पहुँचने पर शहीद अभिराज का अंतिम संस्कार गौरी शंकर घाट पर किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को भागलपुर जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने ड्राइविंग लाइसेंस बनने में हो रही देरी और कार्यालय के कार्यों की जानकारी DTO फिरोज अख्तर और विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारियों से ली। जिलाधिकारी ने कार्यालय के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए लाइसेंस बनने में हो रही देरी और ट्रांसफर मामले में होने वाली लेट लतीफी पर नाराजगी जताया और अधिकारियों को बिना किसी व्यवधान के निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं निरीक्षण के बाद DM ने कहा कि परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ठीक समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। स्मार्ट कार्ड की कमी हो जाने के कारण लाइसेंस मिलने में फिलहाल देरी हो रही है और जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही DM ने कहा कि 1000 कार्ड पटना से आ चुका है और जो भी पेंडिंग पड़े हुए लाइसेंस है उसे अविलंब निकाल कर निर्गत करने का निर्देश दे दिया गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी नहीं हो। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शिशु वाटिका के छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगे वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हुए राधा कृष्ण के बालपन को कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाया। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी प्रस्तुत कर बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया, जबकि कार्यक्रम में भाव नृत्य के साथ कई गीतों की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें मैया यशोदा
ये तेरा कन्हैया समेत कई गीतों पर दी गई प्रस्तुति से पूरा प्रशाल में माहौल भक्तिमय हो गया। इधर प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने विद्यालय परिवार के साथ सभी बच्चों और अभिभावकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों में सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रति जुड़ाव भी आवश्यक है। मौके पर मुख्य अतिथि विनोद कुमार, अमरेश कुमार, मनोज कुमार मिश्र, पंकज उपाध्याय समेत शिशु वाटिका के बच्चे, अभिभावक एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। भागलपुर सुल्तानगंज के शिवनंदनपुर हनुमान मंदिर प्रांगण में मस्ती के पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद द्वारा मस्ती पंचायत के विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया गया अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद ने कहा कि मस्ती पंचायत में पिछले 20 वर्षों से कोई विकास कार्य नहीं हो सका है, जिसके कारण बाढ़ के समय जहां सभी किसानों के फसल पानी में गल जाते हैं, जबकि सुखाड़ के समय सभी फसल बर्बाद हो जाती है। राजेश बिंद ने कहा कि पंचायत में किसान की स्थिति बद से बदतर हो गई है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि परेशानी के कारण किसान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कोलकाता जाकर मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार किसानों की सहायता नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही कहा कि जब तक इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरना पे हम बैठे हैं राजमाता श्री सत्य राबड़ी देवी जी से दर्शन के लिए, श्री मुकेश सहनी जी से, श्री पप्पू यादव जी से दर्शन के लिए हम बैठे हैं, श्री ब्राक मामा साहब के लिए हम बैठे हुए हैं दर्शन के लिए। मांग मेरी यही है, 20 साल से विकास का कोई कुछ नहीं दिखता है। बाढ़ आया सब गल के चला ख़त्म हो गया, सुखाड़ आया सब जर ही गया, जिसको विकास किसको माना जाए, विकास इसको नहीं मानते हैं। विकास का मतलब है कि समस्या का समाधान, समाधान कोई समाधान नहीं है। ऐसे किसान मजदूर भूखे प्यासे मर जाएंगे, सरकार ऐसे कहते रहेगी ये है वो है, मजबूरन हम लोग को इधर उधर पंजाब, दिल्ली, बंगाल, अगरम बगरम कमाने खाने के लिए जाना पड़ेगा। नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गाछी टोला अभिया में विद्यालय की लचर व्यवस्था के विरोध में 2 दिन पूर्व आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा जमकर हंगामा करने के मामले में अब शिक्षा विभाग एक्टिव नजर आने लगा है। दरअसल मंगलवार को किए गए हंगामा के दौरान शिक्षकों को करीब 1 घंटे तक स्कूल के बाहर खड़ा रहना पड़ा था, जिसकी जानकारी मिलने पर शिक्षा पदाधिकारी एक्शन में आए, जिसके बाद बुधवार को गोपालपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीईओ ने मध्याह्न भोजन व्यवस्था, शिक्षक की उपस्थिति, पंजी, साफ सफाई व्यवस्था के साथ कई तरह की जांच की। इसको लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है और ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि MDM के चावल में खराबी होने के कारण दूसरा फ्रेश चावल मुहैया कराया जाएगा। बीईओ ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जरूरी सुविधा के साथ सही भोजन मिल सके, इसके लिए निर्देश दिया गया है और जल्द शिक्षा एवं अन्य व्यवस्था में सुधार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को हटाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही। कार्रवाई है, जो शिक्षक विलम्ब से आने की सूचना हुई है उन लोगों पर हम लोग विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन में सुधार किया जा रहा है। ग्रामीणों का सर आरोप है कि शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षक लेट से आते हैं। ऐसी शिकायत भविष्य में नहीं रहेगा, यदि रहेगा तो उन पर जो है उचित विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। सर क्लास में देखिए जलावन रखा हुआ है, गिट्टी रखा हुआ है, उसके लिए क्या कुछ? उसके जो आपको अवांछित सामान है उसको बाहर निकाल करके वर्ग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विशेष पूजा के दूसरे दिन मनसा देवी के साथ महिलाओं ने सत्य बिहुला की पूजा, भगत के द्वारा किया गया मंजूसा एवं कलश का विसर्जन। वर्षों से बदहाल पड़े म्यूजियम का DM ने किया निरीक्षण, कलाकृतियों को देखकर सुसज्जित करने का दिया निर्देश। ITBP जवान शहीद अभिराज की शव यात्रा में उम्मीद लोगों की भीड़, जम्मू कश्मीर में बस के खाई में गिरने से हुई थी मौत। और ड्राइविंग लाइसेंस बनने में देरी की शिकायत पर DTO कार्यालय पहुंचे DM कर्मियों को समय पर कार्य पूरा करने का दिया टास्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।